नीमच जिले के 1141 किसानों को करीब 3.5 करोड़ रुपए की बीमा राशि नहीं मिल पाई है। यह खुलासा कांग्रेस के युवा नेता तरुण भाईती ने किया। केंद्र के निर्देश और प्रदेश सरकार की कार्रवाई के बाद भी जिले में 1141 किसानों का करीब 3.5 करोड़ रुपए अटक गए हैं। किसान बीमा क्लेम के लिए प्रशासन बैंक और बीमा कंपनी के बीच उलझ कर रह गया है। प्रीमियम कटने के बाद भी वर्ष 2019-20 की फसल का बीमा राशि देने से बीमा कंपनी ने अब साफ मना कर दिया है। हालात यह है कि जिले के सैकड़ों किसानों को करोड़ों रुपए की बीमा राशि अटक गई है और न ही इस ओर प्रशासन और न ही कोई जनप्रतिनिधि गंभीरता दिखा रहे हैं। यह खुलासा कांग्रेस नेता तरुण भाईती ने सबूतों के साथ किया है। भाईती ने बताया कि 2020 में प्रीमियम कटने के बाद भी किसानों को बीमा राशि भुगतान नहीं होने से वंचित किसानों के साथ तत्कालीन कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे से मिले थे और कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जांच में यह बात भी सामने आई थी कि बैंक की त्रुटि के कारण करीब 1141 किसानों की फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। भाईती ने बताया कि उप संचालक कृषि विभाग नीमच जिले में फसल बीमा करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को पत्र लिखा था। जवाब देते हुए कंपनी ने स्पष्ट कर दिया कि पोर्टल में किसानों का डाटा निर्धारित समय सीमा के कई दिनों बाद अपलोड किया गया है। जिन किसानों का समय सीमा में डाटा पोर्टल पर अपलोड हुआ है उन्हें फसल बीमा राशि जारी कर दी गई है और जिन किसानों का डाटा निर्धारित समय सीमा के कई दिनों बाद अपलोड हुआ है उन्हें राशि जारी नहीं की जाएगी। देखिए, जो फसल बीमा होता है वो बैंकों के माध्यम से होता है और 2019-20 का जो खरीफ का फसल बीमा था वो तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कहा था सभी किसानों को बिगैर किसी सर्वे के दिया जाए। इसके तहत सभी किसानों ने के बीमा हुए थे और बैंकों के माध्यम से हुए थे, लेकिन उसमें नीमच जिले के जो 1150 किसान हैं उनका बीमा राशि नहीं आ पाई, जिसका मुख्य कारण है कि बैंक की जो गलती हुई है। किसानों की प्रीमियम तो कट गई लेकिन बैंक की गलती की वजह से बीमा कंपनी के पास नहीं पहुंची, जिसकी वजह से 1141 किसान जो नीमच जिले उनको 3.5 करोड़ रुपए जो मिलना थे वो नहीं मिल पाए। इसको लेकर हमने तत्कालीन कलेक्टर साहब से शिकायत भी करी थी और इसकी जाँच हुई थी और जाँच के पश्चात उन्होंने बीमा कंपनी को लिखा था और बीमा कंपनी को लिखने के बाद वह जिनके नाम छूटे थे उनको पोर्टल पर वापस अपलोड करने का आदेश हुए थे, जो कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के द्वारा भी दिए गए थे। उसके पश्चात भी रिलायंस बीमा कंपनी जो है रिलायंस इंश्योरेंस, उन्होंने 1141 सर्व बीमा देने से मना कर दिया। उनका लेटर आया है कि इसको देने के लिए हम बाध्य नहीं है, बैंक की गलती है। तो अब ये बैंक की गलती हो चाहे प्रशासन की गलती हो चाहे बीमा कंपनी गलती हो, आज किसानों को नुकसान हुआ है। इसी को लेकर हमने मुद्दा उठाया है कि इस वाले मामले को लेकर निश्चित है कि जनप्रतिनिधि मौन है। आज नीमच जिले के किसानों को 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसका जवाबदार कौन? बैंक अपने गलती से पल्ला झाड़ रही है, बीमा कंपनी ने मना कर दिया और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा और जनप्रतिनिधि बिल्कुल मौन है। तो इसके लिए निश्चित है कि एक बड़ी नुकसान नीमच के लोगों के लिए हुआ है। इसके लिए हम लोग अब उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में जाएंगे और उसकी आवाज़ उठाएंगे और किसानों को उनका पूरा हक की जो है उनकी बात कर रहे हैं उनका लाभ दिलवाएंगे।